नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है। षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का स्वरूप, और देवी पार्वती ने ये स्वरूप महिषासुर का वध करने के लिए धारण किया था। देवी कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं, उनके चार हाथ हैं, दाहिने दोनों हाथों में एक अभय मुद्रा में है और दूसरा वरद मुद्रा में है, और बाएं दोनों हाथों में से एक में तलवार है और दूसरी में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ भगवती कात्यायनी बृहस्पति ग्रह का संचालन करती हैं। इनकी पूजा से हमें क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुमारी कन्याओं के विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की बाधा है, तो वो दूर हो जाती है और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जो लड़कियां मनचाहा वर पाना चाहती हैं, तो मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन अगर विधि विधान से की जाए तो मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवी की विधि पूर्वक आराधना करने से अगर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी में या आपके व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही है, वो दूर होती है। रास्ते में जो भी आपकी परेशानियां हैं, उस पर आपको विजय प्राप्त होती है और आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा करने से राहु जनित दोष भी दूर होते हैं, काल सर्प दोष दूर होते हैं, और ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से मस्तिष्क, त्वचा, अस्थि और संक्रमण संबंधी जितने भी रोग होते हैं, उनसे आपको लाभ मिलता है। उन रोगों में आपको लाभ मिलता है, वो रोग दूर होते हैं। और अगर आपको कैंसर की किसी भी तरह से संभावना है, तो अगर आप माँ कात्यायनी की विधिपूर्वक पूजा करें तो कैंसर की आशंका भी कम हो जाती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को लौकी का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होते हैं और साथ ही आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। साधक अगर पूरे श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, तो स्वयं ही सभी सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। माँ की उपासना करने से शोक, संताप, भय आदि जो आपके अंदर विराजमान है, विद्यमान है, वो सभी नष्ट होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करनी कैसे चाहिए, किस तरह से हमें माँ कात्यायनी की षष्ठी तिथि के दिन पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा में आपको पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पीले पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं। आपको पीले वस्त्र धारण करके या लाल वस्त्र धारण करके माँ के छठे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पीला पुष्प, पीले भोग लगाएं, पीले नैवेद्य का भोग उनको लगाएं। माँ कात्यायनी को लौकी का भोग भी लगाया जाता है, और शहद का भोग लगाने से आकर्षण में वृद्धि होती है, व्यक्ति तो प्रभावशाली बनता है। मीठे पान का भोग भी लगाना चाहिए, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, माँ भगवती कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये आपको सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली वेला में किया जाता है, तो गोधूली वेला के समय माँ की पूजा आराधना पूरे श्रद्धा भाव से करें। उनकी मनपसंद वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से माँ की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आपकी जो भी इच्छा हो उससे संबंधित आप मंत्र जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली माँ भगवती कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायनी देव्यै नमः। आप इस मंत्र का यथासंभव नवरात्रि के छठे दिन जाप अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके आकर्षण में वृद्धि हो, तो आप माँ को लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें और शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग अगर आप चांदी के पात्र में लगाते हैं या मिट्टी के पात्र में लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो दोनों में से जो भी पात्र आपको आसानी से उपलब्ध हो, आप ज़रूर, अगर आपके पास चांदी नहीं है तो मिट्टी का पात्र ले लें, मिट्टी का कोई बर्तन लें और उसे साफ से धोकर उसमें शहद रखकर माँ को अर्पित करें। इससे माँ की कृपा मिलती है, आपके तेज में वृद्धि होगी, आकर्षण में वृद्धि होगी और जो भी परेशानियां हैं आपके कामकाज में आ रही हैं, चाहे व्यापार में या नौकरी में, वो सभी चीज़ें दूर होती हैं, सभी रुकावटें दूर होती हैं जीवन की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, जो भी कन्या चाहती है कि उनका विवाह शीघ्र हो, किसी भी तरह से उनके विवाह में किसी तरह की परेशानी आ रही है,
उन्हें आज के दिन माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। गोधूली वेला के समय इनकी पूजा करनी है और मंत्र जाप करना है आपको। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप आपको यथासंभव करना है। अधिक से अधिक जितना आप जप कर सकती हैं तो आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं दूर होगी, और अगर आप मनवांछित वर पाना चाहते हैं तो भी आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। 3 गांठ आपको साबुत हल्दी की चढ़ानी है माँ भगवती कात्यायनी देवी को, और वो 3 गांठें पूजा के बाद वो हल्दी जो है वो अपने पास सुरक्षित रखना है आपको। इससे आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की कथा क्या है इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने माँ पराम्बा की उपासना करते हुए कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली, और कुछ समय पश्चात जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। दोस्तों, आज की वीडियो में माँ कात्यायनी की कथा और उनकी पूजा विधि के बारे में मैंने वर्णन किया। उम्मीद है आपको इससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगली वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए, कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मुझे आसानी होगी कि मैं समझ सकूं कि आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।